हेलो गाइस, मैं निर्मल, आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एमएस पेंट मींस कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल एक पैकेज होता है। बहुत ही सिंपल है, बेसिक स्टेप से अगर आप कहीं पे भी ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो जरूर पेंट जरूर सीखें, क्योंकि बिगिनिंग के लिए, जब आप बिगनर किसी चीज के लिए करते हो तो बहुत ज्यादा काम आएगा वहां पर। ओके, मैंने एक सिंपल प्रेजेंटेशन रेडी की है जिसमें मैंने कुछ इसका इंट्रोडक्शन दिया है और ओके, ये पेंट है, देखो कुछ इस टाइप से इसका अगर आप ओपन करोगे तो इंटरफेस कुछ इस टाइप से आएगा। एमएस पेंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ओके, और इंट्रोडक्शन, एमएस पेंट एक सिंपल ग्राफिक्स एडिटर है, क्योंकि आपने देखा होगा मोस्ट प्रॉब्ली जितनी भी विंडोज होती हैं, जैसे विंडो 7 है या विंडो 10 है, विंडो 11 है या विंडो XP थी या अभी भी होगी, कोई ऑपरेट करते होंगे। ओके, तो उसमें क्या होता था कि एमएस पेंट जरूर अवेलेबल होता था, और जब भी कोई न्यू विंडो लॉन्च होती है तो एमएस पेंट उसमें अपडेट होके आ जाता है। जैसे कुछ उसका इंटरफेस चेंज कर दिया जाता है या उसके अंदर कुछ एडिटिंग करके दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कोई न्यू विंडो ऐड होती है, सॉरी न्यू विंडो लॉन्च होती है, उसमें कोई न्यू फीचर ऐड कर दिए जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कुछ न कुछ अपडेट कर दिया जाता है। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली पेंट में हम क्या करते हैं, पेंटिंग और सिंपल वे से ड्राइंग कर लेते हैं आसानी से। ओके, और इसको सीखने के बाद आप कोई ग्राफिक्स के जब सॉफ्टवेयर सीखते हो तो जैसे कि आप कोरल, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिजाइन या कोई भी और सॉफ्टवेयर सीखते हो, तो उससे क्या होता है कि आप टूल को ऑपरेट आराम से कर लेते हो, क्योंकि टूल मतलब जब भी आप किसी चीज की ट्रेसिंग करना चाहते हो या कटिंग करना चाहते हो या उसमें कोई एडिटिंग करना चाहते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ में क्या करते हैं, माउस से ही होता है ये सारी चीजें। तो अगर आप पेंट यूज कर लोगे तो आपके लिए ये चीजें सीखना बहुत आसान हो जाएगी। पेंट कहीं जॉब पे काम नहीं आएगा, लेकिन आपके बेसिक स्टेप के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हमें कोई इमेज के अंदर साइजिंग रिसाइज करना, कम ज्यादा करना हो या कोई छोटी छोटी चीजें करनी हो, जैसे इसमें स्कैनिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो इस तरह के जो ऑप्शन है इसमें आप कर लेते हो। ओके, तो आज इसके बारे में समझ लेते हैं, एक ही वीडियो काफी है इसका, मैं अपनी तरफ से इसमें आपको मेन करवा दूंगा आज। ओके, सबसे पहले हम इसको ओपन करना सीखते हैं, सिंपल ही है। अगर आपके पास कोई अपडेटेड विंडो है, जैसे विंडो 11 है, तो यहाँ पे स्टार्ट बटन पे जाओगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स पे अगर आप पेंट सर्च करोगे, वैसे तो ये दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे पेंट सर्च करोगे तो यहाँ पे पेंट आ जाएगा, क्लिक करोगे पेंट ऐप पे तो पेंट ओपन होके आ जाएगा। या दूसरा तरीका है, आप रन पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे एमएस पेंट, जैसे ही आप एमएस पेंट टाइप करोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, देन एंटर किया, ओके पे क्लिक कर दोगे, कुछ इस टाइप से इंटरफेस होता है इसका। सबसे ऊपर है टाइटल बार, क्योंकि अभी आपने कोई फाइल सेव नहीं की इसलिए अनटाइटल दिखा रहा है। जैसे आप फाइल सेव करोगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, सॉफ्टवेयर का नाम है, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है, और ये मेन्यूज है, इस पे कुछ शॉर्टकट दे रखे हैं, जैसे अनडू, रीडू या सेव का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हैं जिनके हेल्प से, अलग अलग टूल्स हैं, सेव्स हैं, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि अपने जो पेंटिंग को हम और अच्छा सीख सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ओके, और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे अगर इसमें कोई पिक्चर ओपन करनी हो तो आप फाइल पे जाओगे, यहाँ पे ओपन करोगे, जैसे ओपन पे क्लिक करोगे यहाँ पे जहां पर भी आपकी कोई इमेज सेव है आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टाइप से ओपन कर लिया, ये इमेज ले लेते हैं, देन ओके ओपन पे क्लिक कर दिया, इमेज आ गई। सिंपल है, आपने जैसे न्यू अदर सॉफ्टवेयर में यूज करा है इसमें भी आप नई फाइल ले सकते हो, ओपन से कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो, रिसेंट मतलब जो अभी अभी वर्क कर रखा है, जो भी आपने अभी भी फाइल सेव कर रखी है उनको दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेव मीन्स आप इसको सेव कर सकते हो, सेव एज मीन्स उसी फाइल को अलग अलग नाम से सेव कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बेनिफिट दे रखा है, देखो आप अगर इस पिक्चर को इस इतने सारे मोड्स में सेव कर सकते हो, जैसे PNG मोड पे सेव कर सकते हो, JPEG मोड पे सेव कर सकते हो, BMP मोड पे सेव कर सकते हो, अलग अलग पिक्चर मोड्स आते हैं जिन पे आप सेव कर सकते हो, और फाइनली अगर इसका प्रिंट निकालना है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ओके, और कुछ व्यूज के अंदर है, व्यू के अंदर आप जैसे अगर इसका जूम कम ज्यादा करके व्यू करके देखना चाहते हो, इसमें अगर रूलर बार भी ओपन करना चाहते हो तो रूलर बार ओपन कर लोगे, जैसे रूलर पे क्लिक कर दोगे रूलर बार ओपन हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई ग्रिड लाइन दिखाना चाहते हो तो ग्रिड लाइन आ जाएगी, कुछ इस तरीके से बॉक्स बॉक्स बने हुए आगे, देखो व्यू पे जाओगे अगेन
और यहाँ पे फुल स्क्रीन करोगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा इस टाइप से, एस्केप की कर दोगे क्लोज हो जाएगा। और स्टेटस बार अभी ऑलरेडी ओपन है, नीचे दिखाई दे रहा है। स्टेटस बार मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई वर्क कर रहे होते हैं तो स्टेटस बार में वो प्रॉपर अपडेट होता है, देखो जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो उसके बारे में अपडेट हो रहा है, कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो उस पर दिखाता है। ओके, और सिंपली थोड़ा सा अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो इसमें कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे सेव, अनडू पीछे आने के लिए, रीडू आगे जाने के लिए, एक क्लिप बोर्ड है अगर आपको कॉपी कट पेस्ट कुछ भी करना हो, ठीक है ना, यहाँ से कर सकते हो। ये सिलेक्शन के लिए है, जैसे आप किस टाइप का सिलेक्शन ले जा सकते हो, रेक्टेंगल या फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल मतलब सारा सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें क्रॉप का भी ऑप्शन है, देखो क्रॉप मतलब अब सपोज करो ये पिक्चर है, अब इस पिक्चर का सिर्फ आपको इतना एरिया चाहिए तो आप उतना सिलेक्ट करके उसको क्रॉप कर लो, मैंने रेक्टेंगल लिया मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए पिक्चर का, सिलेक्ट किया यहाँ से क्रॉप पे क्लिक कर दो, क्रॉप होगी देखो पिक्चर। क्रॉप मतलब जितना भी एरिया चाहिए उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो, क्रॉप पे क्लिक कर दोगे तो क्रॉप हो जाएगा। मैंने अनडू कर लिया, दोबारा वापस ले आया, और यहाँ से रिसाइज करने के लिए जैसे ही रिसाइज पे क्लिक करोगे इसमें साइजिंग सेट कर सकते हो, आप परसेंटेज वाइज करना चाहते हो या पिक्सल वाइज करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में स्क्यू वाइज जैसे भी करना चाहते हो। कई बार हम कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहाँ पे कोई इमेज साइज सेट करना हो तो यही ऑप्शन होता है, आप यहीं से पेंट की हेल्प से आप कर सकते हो। ओके, और इसमें रोटेट का भी ऑप्शन है, देखो कितने एंगल पे आपको रोटेट करना है, ऑप्शन दिए गए हैं आप इनको रोटेट कर सकते हो। और इसमें सेकंड ऑप्शन है फ्लिप का, फ्लिप करने के लिए बदलने के लिए, जैसे इसको हॉरिजॉन्टल वाइज कर दो या इसको वर्टिकल वाइज कर दो, इस टाइप से कर सकते हो। फिर मैंने अगेन हॉरिजॉन्टल कर दिया। ओके, अलग अलग चीज है। अब ये टूल्स हैं, टूल की हेल्प से आप कोई भी यहाँ पे आप पेंटिंग बना सकते हो या कोई ड्राइंग बना सकते हो। जैसे मैंने कंट्रोल एन कर लिया, न्यू फाइल ले ली, डाउन शेप पे क्लिक कर दिया, यहाँ से ग्रिड लाइन आगे हटा देते हैं, ग्रिड लाइन शो कर रहा है। अब देखो यहाँ से टूल में जैसे पेंसिल है, मैंने पेंसिल पे क्लिक किया, अब पेंसिल का कलर अभी ब्लैक दिखा रहा है, अगर आप कोई अदर कलर करना चाहते हो रेड, रेड ले लिया, पेंसिल का रेड कलर अभी थोड़ी पेंसिल की जो विड्थ है बहुत कम दिखा रहा है, आप यहाँ से विड्थ बढ़ा लो, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लो, देखो इस टाइप से आ जाएगा। ओके, सेकंड टूल है फिल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेप से कोई शेप ले ली, यहाँ से सपोज करो मैंने राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया। ओके, अब इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फिल पे जाओगे। ओके, फिल पे जाकर के आप जो भी कलर करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ से कोई कलर ले लिया फिल करने के लिए और यहाँ पे आके फिल कर दिया, देखो जो भी कलर लोगे आप, मैंने यहाँ पे कलर लिया, यहाँ पे आके फिल, ओके फिल कर लिया। देन टेक्स्ट, टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट मतलब जैसे आप अदर सॉफ्टवेयर में वर्क करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में डायरेक्ट टाइप हो जाता है, यहाँ पे डायरेक्ट टाइप नहीं होगा एमएस पेंट में, आपको टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पे क्लिक करना पड़ेगा, टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ड्रैग कर लोगे, अब कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इंडियन कंप्यूटर, ओके इंस्टीट्यूट, अब देखो जैसे ही हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आ गई, इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन अलाइनमेंट कैसे सेट करना है, इसमें फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट का साइज चेंज करना है, मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड सारा ओपन होके आ जाएगा, जैसे ही बाहर क्लिक करोगे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। ओके, जैसे मैंने अदर टूल पे क्लिक किया, देखो ये रिमूव हो गया। अब देन है इरेजर, इरेज करने के लिए आप इसको इरेज करना चाहते हो इरेज हो जाएगा, और इसका साइज बड़ा कम ज्यादा करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। वैसे तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस की करोगे इसका साइज बढ़ जाएगा और कंट्रोल माइनस की करोगे इसका साइज छोटा हो जाएगा, देखो प्लस की से बढ़ रहा है और कंट्रोल माइनस माइनस करोगे तो छोटा हो जाएगा, मैंने इरेज कर दिया देखो। और देन नेक्स्ट है पिकर, ओके कलर पिकर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक कलर है, मैंने एक रेक्टेंगल और ले लिया यहाँ पर और यहाँ पे फिल से मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया, फिर अब इस रेड कलर को मुझे यहाँ पे फिल करना है तो मैं क्या करूँगा, पिकर पे जाऊँगा, यहाँ से रेड कलर ले लिया, यहाँ पे आके फिल कर दिए, मतलब यहाँ से कलर लेके यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। नेक्स्ट है जूम, जूम मैग्नीफायर कर सकते हो, इसको कम ज़्यादा कर सकते हो आप, जैसे जैसे क्लिक करोगे जूम इन जूम इन जूम आउट जैसे भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ओके, देन मैंने अगेन दूसरे टूल पर क्लिक कर लिया और यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ पर भी स्टेटस बार में भी दिखाई दे रहा है देखो प्रॉपर्टी,
यहाँ से भी आप जूम को कम ज्यादा कर। नेक्स्ट है ब्रशेज, आप ब्रश यूज कर सकते हो, ब्रश के हेल्प से जो भी आप ब्रश लोगे उसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे हमने ऑयल ब्रश ले लिया, तो ऑयल ब्रश कुछ ऐसे होता है, इसका अगर आप कलर लेना चाहते हो यहाँ से कलर लेके आप कर सकते हो, इस टाइप से आ जाएगा कुछ। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसका, सेकंड में नई फाइल ले लेता हूँ। ओके, मैंने ले लिया यहाँ से ब्रश, वेरी मार्कर ब्रश ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी इसका ब्लैक कलर है, जैसे हमने दूसरा कलर ले लिया, यहाँ पे आउटर से हमने दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया, इस टाइप से आ गया देखो, फिर इस टाइप से आ गया, जो भी आप कलर करना चाहते हो। ब्रश है, अलग अलग टाइप के ब्रश हैं, इनको आप अपनी पेंटिंग जो भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हो तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। ये शेप्स हैं, नेक्स्ट शेप के लिए बहुत सारी शेप्स होती हैं। देखो अब जो सपोज करो सिंपल आपने पेंसिल ली, लाइन ले ली, शिफ्ट के साथ लोगे लाइन स्ट्रेट आएगी, देखो वैसे टेढ़ी मेढ़ी आएगी देखो, लेकिन जैसे ही शिफ्ट करोगे वो स्ट्रेट आ जाएगी। ओके, अब इसका साइज छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हो, इसकी कलरिंग चेंज करनी, ऊपर आ रहा है कलर यहीं से आप चेंज कर सकते हो। ओके, अलग अलग शेप्स आ रही हैं, जो भी आपको शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज कर सकते हो। जैसे हमें इस टाइप की शेप चाहिए, या आउटर कलर है। ओके, अब यहाँ से अगर आप फिल भी करना चाहते हो आप फिल भी कर सकते हो। ओके, जो भी आप कलर फिल करना चाहते हो इस टाइप, ये शेप्स हैं और इसी का साइज है जो भी शेप्स लोगे। ओके, एक कलर के लिए, तो बेसिकली अगर आप इतना भी पेंट यूज कर लोगे ना तो बहुत होता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अगर आपको इतना भी आता है काफी। ओके, मैंने अगेन कंट्रोल एन कर लिया और देन ए फाइल। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है देखो फाइल पे, फ्रॉम स्कैनर और कैमरा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके सिस्टम पे प्रिंटर अटैच है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करोगे फ्रॉम स्कैनर और कैमरा पे, जब भी आप कोई चीज स्कैन करना चाहते हो अपने प्रिंटर पे रख करके इसकी हेल्प से आप स्कैन भी कर सकते हो। ओके ओके गाइज, और सॉफ्टवेयर को क्लोज करने के लिए सिंपल ही है, आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दो या एग्जिट पे चले जाओ, फाइल पे जाओ एग्जिट पे क्लिक कर दो। अगर यहाँ पे एग्जिट अवेलेबल नहीं है तो आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दो। पूछ रहा है सेव करना चाहते हो, डोंट सेव पे क्लिक कर दो। तो इस टाइप से मैंने आज कुछ कोशिश की है आपको पेंट के बारे में समझाने की। प्लीज आप सारे ऑप्शन यूज करके देखना, अगर कहीं पे भी कोई इश्यू आए आज के जो पेंट से रिलेटेड, एमएस पेंट से रिलेटेड, जरूर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स पे मैसेज करना। ओके गाइज, थैंक यू।